अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं गार्लिक चीज़ ब्रेड की एक आसान सी रेसिपी, जिसे हम एयर फ्रायर में बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और 2 छोटा चम्मच शुगर ले लेंगे और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच ईस्ट ले लेंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हमें चाहिए हल्का गरम दूध। आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी गूंथ सकते हैं, लेकिन दूध से टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटे को इकट्ठा कर लेंगे। इतना आटा गूंदने में हमें लगभग 1 कप दूध लगा है। अब हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच मेल्टेड बटर, इसकी जगह आप तेल भी ले सकते हैं। अब डो को हमें बहुत अच्छी तरह से गूंध लेना है, जब तक ये चिकना ना हो जाए। आटा जितना अच्छा गूंधा रहेगा, इसकी ब्रेड उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और डो को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ऊपरी सरफेस ड्राई ना हो। अब कवर करेंगे और 1 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर ठंड का मौसम है तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। ठंड का मौसम है तो इसे ब्लैंकेट में कवर करें, जल्दी राइज हो जाएगा। जब तक हम बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं, आप चाहे तो कोई स्टील की प्लेट ले लें और उस पर तेल लगा के ग्रीस कर लें। नेक्स्ट, ये हमने ले लिया है 4 बड़े चम्मच सॉफ्ट बटर। बटर का जब भी इस्तेमाल करना है, थोड़ी देर पहले इसे आप फ्रीज से बाहर कर दें, इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच लहसुन, जिसे हमने ग्रेट करके ले लिया है। बारीक कटी हुई धनिया ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि बटर में भी नमक है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसे साइड में रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। जब तक हम डो देख लेते हैं। डो साइज में डबल हो गया है, यानी कि ये अच्छी तरह से राइज हो गया है। डो को पंचर कर देंगे, यानी कि इसकी हवा निकाल देंगे और थोड़ा सा बस गूंद लेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसकी बड़ी बॉल बना के तैयार कर लेंगे। हाथों की मदद से इसे बढ़ा लें, आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं। अब आप चाकू की मदद से इस तरह से कट मार्क लगा देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ऊपर से गार्लिक बटर अप्लाई कर देंगे। गार्लिक बटर थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। पर्सनली मुझे गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। चीज़ को हमने इस शेप में कट कर लिया है और ब्रेड में जितने कट्स लगाए हैं, सब में इस तरह से फिल कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसे बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, इसका टेस्ट बिना चीज़ के भी बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी से जुड़ा कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एयर फ्रायर के बास्केट में अब गार्लिक ब्रेड को रख देंगे, 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अगर कलर डार्क चाहिए तो आप 12 मिनट भी बेक कर सकते हैं। 10 मिनट हो गया है और कलर देखिए एकदम परफेक्ट है। अब बस ऊपर से बटर इस तरह से ब्रश कर लेंगे। गार्लिक चीज़ ब्रेड बनके तैयार है। अब इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप चाहें तो सेम मेथड से ओवन में भी बना सकते हैं। ये आसान सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, और इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। इसे आप शाम की चाय पे या फिर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बेहद शुक्रिया। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।